आप कभी कभी सुनते होंगे पेयर्ड रो क्रॉपिंग किसे बोलते हैं पेयर्ड रो क्रॉपिंग का मतलब इसमें है कि आपको हर थर्ड रो जो है आपको रिमूव करना होता है एंड दिस टाइप ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम इज वेरी प्रेवलेंट इन द ड्राई लैंड कंडीशन जहाँ पर कि आपको अचानक मॉइस्चर कंजर्व करना है तो ऐसे केस में हम प्लांट पॉपुलेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम जब थर्ड रो को रिड्यूस कर देते हैं तो टू रो ग्रो होती है तो ऐसी क्रॉपिंग को बोलते हैं पेयर्ड रो क्रॉपिंग और मेन ऑब्जेक्टिव है सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन अब रिस्टोरेटिव क्रॉप्स क्या होते हैं तो ऐसे क्रॉप दो कि आपको अच्छी इल्ड भी प्रोवाइड करें अलॉन्ग विथ क्या करें उस सॉयल को रिस्टोर करें तो कैसे क्रॉप को जैसे एग्जांपल हम लेग्यूम्स को लें तो ऑल द लेग्यूम्स आर एज ए रिस्टोरेटिव क्योंकि वो साथ में आपको इल्ड ग्रीन इल्ड तो देते ही देते हैं बट साइमल्टेनियसली दे विल आल्सो रिस्टोर योर सॉयल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग द एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन अब स्किप क्रॉपिंग क्या है स्किप क्रॉपिंग क्या है ए लाइन क्या करते हैं इसमें इज इस लेफ्ट अनसोन इन ए रेगुलर रो सीरीज ऑफ सोइंग तो उसको बोलते हैं हम स्किप क्रॉपिंग जैसे कि एक रो ऑफ सो कर दूसरी रो को छोड़ दो ठीक है तो इस तरह से क्या है इस तरह की क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं स्किप क्रॉपिंग बोलते हैं स्मूदर क्रॉप्स क्या होते हैं जो ऐसे क्रॉप जिनकी कैनोपी uh, लार्ज हो और क्विक ग्रोइंग हो ऐसे क्रॉप्स को बोलते हैं स्मूदर क्रॉप्स और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देखोगे काउपी है मस्टर्ड है हॉरगम है तो ये क्रॉप्स जो है स्मूदर क्रॉप्स में आते हैं और ऐसे क्रॉप्स को लग, अगर आप करते हो तो क्या होता है कि जो वीट पॉपुलेशन होती है वो सप्रेस होती है अब बात करते हैं ट्रैप क्रॉप और डिकोई क्रॉप्स किसे बोलते हैं ऐसे क्रॉप्स दोज आर ग्रोन ऑन द बाउंड्री ऑफ ए फेल्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट पेस्ट एंड सॉइल बॉर्न डिजीजेस

ऐसे क्रॉप्स को जिनको सकुलेंट कंडीशन में किसी पिट्स में प्रिजर्व किया जा सके बाय द नेचुरल फर्मेंटेशन और एसिडिफिकेशन फॉर द फीडिंग फीडिंग टू द लाइफ स्टॉक ड्यूरिंग ऐसे पीजन में जो तो लीन पीरियड हो उस टाइम पर ऑफ सीजन में हम फीडिंग कर सकें इस पिट में रखे हुए जो कि हमारे क्रॉप्स हैं तो उनको साइलेज क्रॉप्स बोलते हैं और एग्जाम्पल जैसे आपके बर्सीम एंड काउपी ये एक तरह से साइलेज क्रॉप्स में आते हैं उसके बाद मिक्स फार्मिंग की बात कर रहा है मिक्स फार्मिंग क्या है यहाँ पर देखो मिक्स फार्मिंग की बात कर रहा है तो मिक्स फार्मिंग मतलब ये हो गया कि ऐसी फार्मिंग ऑन ए पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड वहाँ पर आपको क्रॉप प्रोडक्शन भी करना है लाइव स्टॉक्स करना है पोल्ट्री करना है फिशीज बी कीपिंग तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स की नीड वेस्ट है जो डाइवर्स नीड है दैट विल बी फुलफिल्ड बाय दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग

अगर किसी पीस ऑफ लैंड पर ईयर आफ्टर ईयर ऑफ द सेम क्रॉप इफ यू आर टेकिंग देन इट इज कॉल्ड मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर अब बात कर लेते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है मल्टीपल मीन्स कई क्रॉपिंग मीन्स क्रॉप्स अगर लेते हो एक सेम पीस ऑफ द लैंड पर इन ए ईयर तो उसको क्या बोलते हैं हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं और इसके कई एग्जाम्पल है जैसे इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हो एज ए मल्टीपल क्रॉपिंग में मिक्स क्रॉपिंग भी आपका मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है सिक्वेंस क्रॉपिंग ये भी आपका जो है मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है तो जैसे इंटरक्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विथ डेफिनेट रो पैटर्न अगर टू और मोर क्रॉप्स आप साइमल्टेनियसली ले रहे हो एक डेफिनेट रो पैटर्न में तो उसको बोलते हैं हम क्रॉपिंग ठीक है मिक्स क्रॉपिंग इसमें क्या है?

मीन्स रिफर्स टू ग्रोइंग ए सेकंड क्रॉप बिटवीन ए रो ऑफ मेन क्रॉप व्हिच इज रेडी टू हार्वेस्ट सपोज कोई क्रॉप आपका रेडी हार्वेस्ट करने के लिए और उससे हार्वेस्टिंग से पहले ही आप उसकी रो में लगा देते हो जिससे कि एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द मेन क्रॉप जो फर्स्ट क्रॉप है उसका जर्मिनेशन हो जाता है ओ तो इससे क्या है आपका जो फील्ड का जो टाइम जो है वो बच जाएगा आप इंटेंसीफाई करोगे कई क्रॉप

फील्ड में रहता है फिर वहां से वो री स्प्राउट होता है न्यू क्रॉप्स बनता है तो इस तरह से आप सेकेंड क्रॉप्स ले लेते हो तो ऐसे क्रॉपिंग को बोलते हैं राइटून क्रॉप्स और इसके बहुत से अच्छे एग्जाम्पल हैं जैसे आप शुगर केन एक बेस्ट एग्जाम्पल है राइटून के लिए जिसमें कि आप शुगर केन को हार्वेस्ट करते हो तो उसके अगेन जो ऊपर ये जो रूट और रूट के ऊपर थोड़ा सूट होता है वहां से फिर बर्ड्स निकलते हैं और अगेन हम सेकेंड क्रॉप लेते हैं तो ये थे कुछ जो कि क्रॉप कल्टिवेशन टर्मिनोलॉजी थी जिसको मैंने कोशिश किया यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो कैसी थी कमेंट करके लाइक करके आप बता सकते हो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो